आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह की अध्यक्षता में एंटी रोमियो वीमेन पावर लाइन 1090 रैली का हुआ शुभारंभ। आगरा में 1090 हेल्प लाइन को प्रभावी भ्रमण कार्यक्रम को कुलपति प्रोफेसर आशु रानी के निर्देशन में विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज कार्यक्रम का हुआ आगाज। प्रतिकुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा विश्वविद्यालय डीन अकादमिक प्रोफेसर संजीव कुमार विश्वविद्यालय महिला प्रकोष्ठ की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर विनीता सिंह दीक्षा सिंह सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध डॉक्टर रंजना गुप्ता प्रभारी निरीक्षक एंटी रोमियो स्क्वाड आगरा एसओ महिला डेजी पवार महिला सहायता प्रकोष्ठ प्रभारी इतुल चौधरी आदि शामिल हुई। कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने ऐसे प्रयास की बहुत सराहना करते हुए अपने सामुदायिक रेडियो को बधाई दी। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित के बाद प्रोजय तनेजा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को 1090 हेल्पलाइन नंबर के प्रचार प्रसार में आगे आना होगा, जिससे मुसीबत के समय यह हेल्पलाइन नंबर आपके काम आ सके। एंटी रोमियो स्क्वाड कमिश्नरेट आगरा और हमारे यूनिवर्सिटी के सामुदायिक रेडियो ने एक अच्छी पहल का प्रयास किया है। सभी महिलाएं बालिकाएं बिना किसी डर के अपनी परेशानी इस नंबर पर गोपनीय रूप से साझा कर सकती हैं और तुरंत समाधान भी पाती हैं। डॉक्टर रंजना गुप्ता प्रभारी निरीक्षक एंटी रोमियो स्क्वाड आगरा ने कहा कि इस कार्यक्रम से लोगों को वीमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 का किस तरह और कहां उपयोग किया जा सकता है इसके प्रति जागरूक भी किया। काफी महिलाएं और बच्चियां अपने साथ हुए दुर्व्यवहार या छींटाकशी या फिर शारीरिक मानसिक और सोशल मीडिया द्वारा किए गए शोषण की जानकारी अपने परिवार तक को भी नहीं देती हैं। ऐसे में उन सभी के लिए ये 1090 हेल्पलाइन नंबर चंद मिनटों में पहुंचकर पीड़ित की जानकारी गोपनीय रखते हुए तुरंत कार्रवाई करती हैं। एनसीसी की सभी क्रेडिट्स के साथ काफी तादाद में छात्र छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों ने प्रतिभाग कर जानकारी प्राप्त की और अपने सवाल जवाब के साथ कुछ 1090 के साथ के अनुभव भी साझा किया। आगरा से एडी न्यूज 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। देखिए 1090 की तरफ से आयोजन कराया गया था, लखनऊ से टीम आई है 6 लोगों की, जिसमें मैं महिला थाना की टीम, एंटी रोमियो की टीम और थाना हरिपर्वत की टीम इसमें सम्मिलित हैं। और यह प्रोग्राम सेंट जॉर्जेस स्कूल में कराया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है विमेंस को एम्पावर करना, 1090 के बारे में बताना, गुड टच बैड टच के बारे में बताना और लड़कियों को ये बताना कि क्या चीज़ें उनके लिए सही हैं, कब आप 1090 में कंप्लेंट करें और पुलिस आपकी क्या क्या मदद कर रही है। जैसा कि सोशल पुलिसिंग का मामला चल रहा है, सोशल पुलिसिंग में हम लोग बहुत पब्लिक से क्लोज होकर, बच्चों से क्लोज होकर हमारी टीम इसमें वर्क करती है और उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको शॉर्ट आउट करते हैं। उन्हीं को अवेयर करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, जो कि काफ़ी सफल रहा, बच्चों ने इसमें काफ़ी भारी संख्या में भागीदारी की।